फ्रेंड्स, आज मैं आपको एलोवेरा जूस बनाना बताऊंगी जो सेहत के लिए बहुत फायदेमंद होता है और इसको बनाना बहुत आसान है। आप दो तीन एलोवेरा पत्तियां लीजिए और हमें डायरेक्ट पौधे से तोड़नी है। उनको धो लीजिए, अच्छे से साफ कर लीजिए, उनके कांटे छील लीजिए दोनों तरफ से और इस तरह से इनकी जेल निकलेगी। देखिए, इसके पीसेस कर लीजिए। यहां से आप उसको निकालेंगे तो ये आराम से निकल जाएगी आपकी जेल। ये देखिए, ये ग्रीन वाला पीस नहीं आना चाहिए, वरना आपका जूस कड़वा भी हो जाएगा। अब ये देखिए, मैंने कुछ तो निकाल लिया है एलोवेरा जेल, आप ऐसे ही निकाल लीजिए। आप जब भी एलोवेरा काटें तो उसमें से एक पीले रंग का एक रस निकलता है, उसको थोड़ी देर निकलने दीजिए ऐसे ही। उसके बाद आप एलोवेरा पत्ती को धो लीजिए, उसके बाद उसे यूज़ कीजिए, क्योंकि वो जो रस जो उसमें से निकलता है येलो कलर का, वो हार्मफुल होता है, वो फायदेमंद नहीं है आपके लिए। और अगर आप इसको रोजाना यूज़ करोगे तो आपकी स्किन भी ग्लोइंग हो जाएगी और ये डाइजेस्टिव सिस्टम को भी इम्प्रूव करता है। थोड़ा मुश्किल होता है इसकी जेल निकालना, लेकिन निकल जाएगी आसानी से। तो बस एक पत्ती रह गई है, मैं इसे भी निकाल लेती हूँ। अब ये देखिए, मैंने पूरी जेल निकाल ली है, मिक्सी के जार में डाल लेंगे इसको और हमें कुछ नहीं करना है, बस इसको पीसना है। एक गिलास पानी ले लेंगे, ये देखिए ये मेरा पिस चुका है और ये मैंने 2 गिलास के लिए बनाया है। आप इसमें 2 गिलास ड्रिंक बना सकते हो। और पानी मैंने लिया है, पानी इसमें ऐड कर लेना है, तो मैं आपको अभी बनाकर दिखा रही हूँ। जैसे मैंने 1 गिलास लिया है, उसमें ये हाफ डाल देंगे हम, क्योंकि हमने 2 गिलास बनाया है, और 1 गिलास पानी ऐड कर देंगे। ये हमारा एलोवेरा जूस बनकर तैयार हो गया है। अब ये देखिए, हमारा एलोवेरा ड्रिंक बनकर तैयार है। ये हमारे सेहत के लिए बहुत फायदेमंद रहता है और हमारी बहुत सारी बीमारियों को रोक सकता है। ये हमारे स्किन के लिए भी बहुत अच्छा रहता है और हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को भी अच्छा करता है। हमारे जो अगर खून की कमी आपके अंदर आ गई है तो उसकी भी पूर्ति करता है। तो आप इसको रोज सुबह पीजिए, खाली पेट पीजिए 1 गिलास, आपको बहुत फायदा करेगा। आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो, मेरा एलोवेरा जूस बनाने का तरीका बहुत अच्छा लगा हो, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।